तो भाई स्वागत है यार आपका ऑटोहुड एक नई वीडियो में। यार जैसे आपने पहले वीडियो देखी थी बहुत ही ज्यादा प्यार मिला उस वीडियो में, बहुत ज्यादा अच्छे व्यूज आए और लाइक भी आपने नहीं की थी यार, तो अगली बार इस बार लाइक कर देना वीडियो को। और बाकी गाड़ी आ रखी है अपने पास फ्रॉन्क्स और इस गाड़ी में क्या क्या होने वाला है, ऑलमोस्ट पहली बार तो सब कुछ होने वाला, सीट कवर, फ्लोरिंग और ये शायद बेस मॉडल है, मैं भैया से पूछ के कंफर्म करके आपको बताऊंगा। और इसमें DRL वगैरह, एम्बियंट लाइट वगैरह और अलॉय का शायद अभी कोई सीन नहीं, मुझे पता नहीं है, बाकी इंडिकेटर वगैरह जो भी है, जो ये मिरर फोल्डिंग हो गई, जो जो चीज़ें मतलब लगने वाली हैं या जैसी भी हैं जो भी है वो मुझे अभी कुछ भी नहीं पता। तो सीधा आप चलेंगे अपने शॉप के ओनर के पास। शॉप का ओनर आपको जैसे ही पता है कि कौन है, सुधीर भाई अपने, थोड़ा बिजी हो रखे हैं यार, बोल बोल के ना बारी बार भाई एक बार शूट करवा दो। तो ये CNG मॉडल है फ्रॉन्क्स, ठीक है। तो अभी क्या क्या लगा है, क्या क्या लगने वाला है ये भाई से पूछते हैं। भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। तो गाड़ी में क्या क्या काम हो रहा है वैसे? इसको हम सिग्मा को अल्फा में कन्वर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अल्फा एक्चुअली अल्फा प्लस हो रही है। अच्छा अच्छा, तो CNG में है ये वैसे तो? हाँ, CNG। तो इसमें लग क्या क्या रहा है वैसे, एग्जैक्ट बता दो सब ऑडियंस को। म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं हम लोग, मतलब अच्छे लेवल का म्यूजिक सिस्टम लगा रहे हैं इसके अंदर हम लोग, ठीक है। स्क्रीन हो गया, बैक कैमरा हो गया, स्पीकर, बेस ट्यूब, एम्प, ठीक है, स्टेयरिंग चेंज हो रहा है और आमरेस लग चुका है इसके अंदर, रियर AC की वर्किंग भी हो गई है और अभी इसके अंदर हम लोग क्रोकोडाइल वाली फ्लोरिंग लगा रहे हैं। तो ये भाई वगैरह लगा रहे हैं अभी, ये देखो अपना स्टीरियो भी लग चुका है और स्टीयरिंग जो है वो नॉर्मल रहेगा? नहीं, स्टीयरिंग चेंज होगा। तो अभी मैं धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ सब दिखा देता हूँ और सिनेमैटिक शॉट में दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली समझ भी आ जाएगा और जो बताने वाला होगा हम बताएंगे भी। और वैसे अगर कोई और बंदा आता है बेस मॉडल लेके उसे टॉप करवाने तो कितना खर्चा आ जाता है, मतलब आ जाएगा? देखो भैया, खर्च करने को तो देखो भैया आप कितने भी खर्च कर सकते हैं। हाँ वो तो है, मैं अगर मैं बताऊँ बेस टू टॉप कराने में अराउंड आपका 1.5 लाख रुपया खर्चा आ ही जाता है। विद अलॉय? हाँ, विद अलॉय, विद अलॉय। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर इस चीज़ को कहीं अलॉय के लिए कराने हैं तो अराउंड 1 लाख का लेके चलता है। कोई कह रहा है कि भाई मेरे को ज़्यादा हाई एंड सिस्टम नहीं चाहिए तो वो 70-80 तक भी जा सकते हैं। अच्छा, जिनको ये चाहिए कि भाई हमें म्यूजिक सिस्टम में एवरेज चाहिए, स्पीकर एवरेज चाहिए, सिस्टम एवरेज चाहिए, तो अराउंड वो 40-50 हज़ार में भी काम करा सकते। और इस गाड़ी में कितना खर्चा हुआ वैसे, मतलब ऑल अप्रोक्स? इस गाड़ी में अराउंड अभी 1.5 लाख रुपए का लगभग बिल बन चुका है। अच्छा। हाँ, अराउंड 1.5 लाख रुपए अलॉय वाले सब कुछ मिला हम लोग। अच्छा, अलॉयज भी हैं? हाँ, अलॉयज भी है इसके। अच्छा, अंदर जैसे कि हम लोग ये वाले जो हैंडल्स हैं सिग्मा वेरिएंट के अंदर ब्लैक आते हैं, इसको हम लोग बॉडी कलर करने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। और डोर वाइजर लगाएंगे हम लोग नेक्सा जेन्युइन, ठीक है। और एक चीज बताना चाहता हूँ कि नेक्सा जेन्युइन जो भी एक्सेसरीज होती है उसको आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है हमारी तरफ से। अच्छा अच्छा, हाँ जी। कोई भी नेक्सा जेन्युइन लोगे उसमें 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी होगा MRP दिखा के, जैसे कि इसकी MRP आपकी 2200 रुपए आती है, डिस्काउंट होकर आपको 1100 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसके हैंडल हमने पेंट किया है, अगर किसी को क्रोम हैंडल भी चाहिए तो वो भी अपने पास मिल जाएगा। 1500 रुपए MRP आती है, डिस्काउंट करके 750 रुपए का पड़ता है आपको। अच्छा, ठीक है। और बाकी सीट कवर, फ्लोरिंग हम लोग 2500 की आपकी टाई वाली फ्लोरिंग हम लोग इंस्टॉल करते हैं। हाँ, स्टीयरिंग आपका 5500-6500 रुपए का है और स्टीरियो जो हम लगा रहे हैं इसके अंदर 12500 रुपए का स्टीरियो है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और स्पीकर हम लोग जो लगा रहे हैं इंफिनिटी के प्राइमस लगा रहे हैं, कॉम्पाउंड को एक्सेल, इसकी कॉस्टिंग 10500 की आपकी आती है। हाँ जी, ये सब चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो ठीक है, अभी एक एक चीज़ आपको मैं दिखा भी देता हूँ सिनेमैटिक शॉट में, आपने पहले देखी होगी तो एक बार दोबारा देख लो, आपको कंफर्म हो जाएगा कि पहले आपने देखा होगा। ज़्यादा कुछ नहीं दिखा होगा लेकिन अगर सिनेमैटिक शॉट दिखाए थे, अगर मेरी तरफ से कोई आएगा तो डिस्काउंट? हाँ बिल्कुल भी देंगे। अच्छा, आपकी जो भी चैनल का नाम है, हाँ वो नाम बोले उसको हम लोग AC तो मत करो। चलो ठीक है, अब मैं एक एक चीज़ सबको दिखा देता हूँ कि क्या क्या इसमें लगा है और सिनेमैटिक शॉट्स इन्जॉय कर लो। सारे सिनेमैटिक शॉट्स तो देख लिए होंगे, ठीक है। अभी क्या है कि अभी थोड़ा बहुत काम पड़ा है, सीट कवर भी बनने गए हुए हैं, फ्लोरिंग अभी थोड़ी बहुत बिखरी पड़ी जैसे आपको पता है, जो भी होगा सारा काम होने के बाद आपको फाइनली मिलते हैं। सुधीर भाई बताएंगे टोटल कितना एस्टीमेट आया इस गाड़ी में। तो अभी प्रॉपर रेडी हो जाए, जैसे एम्बिएंट लाइट भी लग चुकी है हाफ, अभी इस गेट पे इसमें डैम्पिंग नहीं हो रही पहली बार? इसमें डैम्पिंग नहीं हो रही है। अच्छा, आपको जो भी करवाना होगा भाई के पास आना, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे मिल ही जाएगा, ठीक है।
बाकी अभी टोटल रेडी हो जाए फिर आपको पूरा एक एक चीज़ आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ प्रॉपर। सुधीर भाई बताएंगे जिनको मेरे चैनल का नाम नहीं पता। तो अभी सीट कवर की बात कर रहे थे तो सीट कवर भी आ चुके हैं यार, रेडी है, बस लगने रह गए हैं, बाकी तो हैं। और ये कस्टमाइज भी करवा सकते हो आप, जो भी करवाना चाहो, अपना तस्वीर ले आना, फोटो वगैरह तो वो करवा सकते हो, जैसे भी होगी है। अच्छा हाँ, तो ये भी सीट कवर लगने दो, उसके बाद गाड़ी चकाचक। और इसका जो इंटीरियर अंदर का हो रहा है सेम यही कलर का हो रहा है ना, ये वाले हाँ, तो ये प्रॉपर वो बनने वाली है, लग्जरी बनने वाली है। तो बस ये वेट कर रहे हैं, फटाफट लग जाए उसके बाद आपको दिखाते हैं। Please don't stay the night. Don't you ever change my mind. Baby, please don't stay the night. तो फाइनली गाइस गाड़ी में काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। पहले आपको मैं सबसे पहले अलॉयज दिखा देता हूँ कि अलॉयज कैसे लग रहे हैं। ये टॉप मॉडल के अलॉयज है ना भैया, डेल्टा प्लस के हैं ये। अच्छा टॉप के नीचे वाले हैं ये। भैया को ऑल ब्लैक चाहिए था, अलॉय व्हील, तो इस वजह से मैंने भैया को लगा के दिया। अच्छा टॉप एंड वेरिएंट के अपने पास मिल जाएंगे। तो अभी इस गाड़ी में क्या क्या, एक तो अपना स्टीरियो लग चुका है जैसे सुबह हम बात कर रहे थे। ये कौन सा स्टीरियो, वैसे कौन सी कंपनी का? ये भी हम लोग साउंडटेक ब्रांड का यूज करते हैं। अच्छा इसमें हमने T5 प्रोसेसर लगाया है। हाँ जी, और इसमें रिवर्स कैमरा भी लगाया। तो ये देख सकते हो रिवर्स कैमरा, ये रिवर्स कैमरा है। अभी गाड़ी के जैक से भी एक तरफ से ऊपर उठी हुई है। हाँ थोड़ा तो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, बाकी क्वालिटी तो सही आ रही है जैसे भी है। इसमें हमने हेडलाइट भी लगी है, ये देख सकते हो। और अभी कितने वोट की, 200 वोट लगाई, 200 वोट लगी। तो अभी जाके प्रोडक्ट चेक भी करवाते हैं आपको। और इसमें K3 एम्बिएंट लाइट कौन सी लगी है? इसमें K3 10 पीस लगाई हमने, जिमर की लगाई है। अच्छा 10 पीस वाली। तो अभी क्या है कि म्यूजिक मैंने आपको सुना ही दिया है कि कौन सा कैसा म्यूजिक बज रहा है। और इसमें कौन कौन सा काम हुआ भाई? और इसमें भी स्टीयरिंग चेंज हो रहा है, सीट कवर देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं यार। और इनका जो टच होगा ये सीट कवर जैसा ही होने वाला है। हाँ, और ये भी आपने दिखाई दिया था। हाँ अभी डोर पैक होंगे तो प्रॉपर तरीके से दिखा। तो इससे पहले आपने जो सिनेमैटिक देखे होंगे या देखोगे उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या काम भाई बोल रहा है और कौन कौन सा हो गया। तो अलॉय अपने बता दिया एक बार, अभी लाइट चेक करवाए थे DRL और फॉग लैंप। अच्छा तो अभी तो अखेरा भी दिख जाएगा आपको। देखो ये देखो थ्रो देख सकते हो आप, ये थ्रो भी काफी अच्छा आ रहा है। और क्या लगा भाई इसमें? और इसके अंदर हमने गियर नॉब लगाया है, ये देख सकते हो। ओके और एक रियर एसी भी लगा इसमें, अभी आपको चेक करवाते हैं। अच्छा अच्छा और यहाँ पे स्पेस आपको मिलता है, ये कुछ है। और रियर एसी आपको हवा से पता लग रहा है, इधर से भी चल रहा है अपना। तो ये देख सकते हो यहाँ का भी आपको पता लग रहा होगा। और उसके बाद और क्या क्या हुआ इसमें? और इसमें हमने एम्प लगाया है, 4 चैनल एम्प लगाया है, V12 एम्प है, जो 4 चैनल एम्प हैवी वाला एम्प लगाया है इसके अंदर हमने। और इन्फिनिटी के प्राइमर्स के अंदर इस पे कॉम्पाउंड को एक्सल लगाया है। इसके अंदर हमने आपका इन्फिनिटी का हमने वूफर लगाया है विद आपकी पेटी के साथ लगाया हमने। हाँ क्योंकि आपका CNG वारंटी स्पेस की इशू था, इसको हमने इसके अंदर प्लेस की वाली पेटी। और पहले बड़ी वाली रखी हुई थी बेस क्यूब, हाँ वो फिट नहीं आने के बाद इसलिए हमने ये लगा दी। हाँ तो बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे अपनी K3 अपनी लग भी चुकी है और AC की हवा देखो कितनी तेज आ रही है, यहाँ से चेक कर सकते हो आप। और इसकी टच भी एक बार हम चेक करवा देते हैं आपको, ये भी कारप्ले यूज हो रहा है इसके अंदर, ये देखिए। तो भाई बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग हो रही है, उसमें कारप्ले एंड्रॉइड दोनों है, कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ, मतलब ऑल ओवर एंड्रॉइड का अगर वर्जन की बात करूं। अच्छा एंड्रॉइड के वर्जन में सबसे टॉप एंड हाई एंड में आता है। अच्छा अच्छा T5 आता है, तो उसके बाद आपके 4G सिम वाले सिस्टम आते हैं और भी कई तरह के सिस्टम आते हैं, लेकिन ये है कि एक मीडियम रेंज का ना सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम है। बाकी हाई एंड में जितना जितना मर्जी चलेगा वो 50-60 जितना मर्जी जा सकते हो, वो तो है, वो तो है। हाँ जी बाकी जो भी आपको, और इसका पहली बार बताओ एस्टिमेट कितना है? With alloys. अभी चली रहा है क्योंकि अभी कुछ बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हुई है। हाँ. अब देखते हैं कि 1.5 लाख के आसपास तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। हाँ. ठीक है। हाँ अच्छा अच्छा उतना पहुंचेगा। चलो ठीक है, अभी जो भी होगा आपको लास्ट में मैं लिख के दे दूंगा एक जगह पे। हाँ, और बाकी सिनेमैटिक शॉट्स रिव्यू भी देंगे। हाँ कस्टमर रिव्यू देंगे, उनसे पूछ लेंगे, बिलिंग सब कुछ कर लेंगे हम लोग,
उसके बाद ले लेंगे। चलो चलो अभी सीधा कस्टमर से मिलेंगे, अभी थोड़ा बहुत वर्क पूरा हो जाए उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो यहाँ पे आप थ्रो चेक कर सकते हो कितना 200 वोट की ये लगी है, जैसे आप देख सकते हो आपको दिख रहा होगा। तो DRL ऑन वर्किंग है, तो थोड़ी देर रुक जाओ आपको दिखाते हैं। और एक बार इसका अच्छे से थ्रो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा थ्रो आ रहा है। और DRL का जो है वो आपको सिनेमैटिक में देखने को मिल जाएगा। DRL अभी वर्किंग में और हम थोड़े लेट हैं इसीलिए फटाफट कर रहे हैं शूट। और एक बार इसकी थंबनेल वगैरह ले लेते हैं और वीडियो कैसी लग रही है एक बार लाइक भी कर देना वीडियो को और चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया लुक निकल के आ रही है यहाँ पे कनेक्टेड टेल लैंप की, और इसके अंदर हमने मैट्रिक्स वाले रिफ्लेक्टर भी इंस्टॉल कर दिए, जो कि भाई मतलब लगता है कि भाई यहाँ पे कुछ चीज़ लगी है इस गाड़ी के अंदर। लुक बहुत बढ़िया निकल के आ रही है। बाकी ऑटो वोड पे आप लोग सब लोग जानते ही हैं, ऑटो वोड पे मॉडिफिकेशन बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन तरीके से और A1 क्वालिटी में सारा काम किया जाता है। और बाकी मैंने आपको डिग्गी चेक करा दी है और आपको मैं इसका अभी इंटीरियर उसको खोलते हैं, डिग्गी खोलते हैं, डिग्गी में क्या क्या हुआ है तो दिखा देता हूँ। उससे पहले आपको मैं दिखाया था यहाँ पे हमने कैमरे की रिप्लेसमेंट करी है, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे हमने कैमरे की रिप्लेसमेंट करी है। अभी डिग्गी में ओपन करता हूँ। हाँ तो यहाँ पे अभी डिग्गी हमारी ऑन हो चुकी है, तो डिग्गी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो CNG वेरिएंट है इसमें, बाकी जो सामान निकला था हमने वापस रख दिया अभी, अगर रिफ्लेक्टर कैमरा वगैरह बॉक्सेस। और इसके अंदर हमने जो लगाया है अपने दिन में देखा होगा, तो हम लोग गोल वाले बेस ट्यूब लगाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या था कि जब हम लोग उसको रखे तो भैया को बैक देखने में प्रीवियस देखने में मतलब दिक्कत आ रही थी, क्योंकि भैया को पूरा प्रॉपर पीछे का नहीं दिखाई दे रहा था। तो इस वजह से हमने को भैया को एक स्लिम पेटी बना के दी है, जो कि हमने इसके अंदर JBL का वूफर डाल दिया। तो भाई देखो कितना बढ़िया लग रहा है वूफर इसके अंदर। बाकी अगर बेस की मुकाबले में बात करूँ तो भाई गोल वाली पेटी बहुत ही ज़बरदस्त बेस निकालती है इसके मुकाबले, लेकिन ये है कि इसका भी बेस बहुत ही ठीक ठाक है। एक रिसेंट जो साउंड निकलना चाहिए था बहुत ही बढ़िया साउंड निकल के आया है। बाकी गाड़ी बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बहुत तरीके से रेडी हो चुकी है, एकदम बढ़िया रेडी हो चुकी है हमारी यह गाड़ी। यहाँ पे इसको हमने बाहर से और अंदर से साफ सफाई बिल्कुल कंप्लीट करवा दी है। बाकी एक बार भैया रनिंग एक बार कंपनी में अगर वॉश कराएंगे सर्विस कराएंगे तो प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें साफ कर देंगे। तो बाकी और दिखाता हूँ आपको और हमने क्या क्या कंप्लीट किया इस गाड़ी के अंदर। तो जैसे मैं गेट खोलता हूँ तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो आपका वेलकम करेगी यहाँ पे वेलकम प्लेट, जो कि आपकी फ्रॉन्स की वेलकम प्लेट रहने वाली है। और इसके हम डोर में क्या क्या काम किया क्या किया वो आपको दिखा देता हूँ। तो डोर के अंदर हमने यहाँ पे एम्बियंस लाइट लगाई है, जो कि आपकी जिमर की 10 पीसेस रहने वाली है। इसमें खास बात क्या रहती है कि आपको इसमें स्टील कलर मिलता है, एक लग्जरी लुक चाहिए तो आपको K3 पर सजेस्ट करूँगा, और एक आपको मतलब पार्टी मूड एक बढ़िया चीज़ चाहिए तो आपको K4 सजेस्ट करूँगा मैं। बाकी इसके अंदर बात करता हूँ यहाँ पे सॉफ्ट टच हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए सॉफ्ट टच कितना बढ़िया यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे आपको हमने ब्लैक विद ब्राउन हमने स्टिचिंग रखी है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पे हमने ब्राउन टू ब्राउन ही रखा है इसको, जो कि आपका इंटीरियर से मैच हुआ कलर आपको मिल जाता है। और इसके अंदर हम नीचे की तरफ हमने क्रोकोडाइल वाली फ्लोरिंग इंस्टॉल कर दी है, और इसके अंदर हमने इनर हैंडल भी चेंज किया, जो कि टॉप एंड वेरिएंट वाला इनर हैंडल आता है वो चेंज किया हमने। ये पुराने वाले इनर हैंडल कुछ इस तरीके से नज़र आते हैं आपको, एक पुराने वाला इनर हैंडल है वो आपका नया वाला इनर हैंडल है, तो लुक बहुत बढ़िया निकल जाती है। और इसके अंदर हमने क्रोकोडाइल वाली फ्लोरिंग कर दी है, जिसको हम लोग अभी क्लीन करा के उसके बाद हम लोग मैट इंस्टॉल करेंगे। तो मैट कौन सा डाल रहे हैं, मैट हम लोग उसके अंदर डाल रहे हैं SIPL के पग वाले मैट, जो कि आपके एग्जैक्टली मतलब लिमसम GFX टाइप के ही मैट होते हैं। और इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ हमने इसके अंदर सीट कवर्स लगाए हैं। तो ये देखिए सीट कवर्स की क्वालिटी कितनी बेहतरीन नज़र आ रही है, मतलब डिसेंट सीट कवर्स, एक बढ़िया सीट कवर की लुक यहाँ पे नज़र आई है। बाकी बात करते हैं इसके अंदर हमने साकल लेदर यूज़ किया है, जो कि यहाँ पे पाइपिंग और बीच में मतलब बर्फी का टच दिया है, जो कि मतलब काफ़ी ओवर भी नहीं है, एक ज़्यादा कम भी नहीं है, एक डिसेंट जी है ना, मतलब सिंपल सोवर और बहुत ही बढ़िया लुक निकल के आई है। बाकी बात करते हैं हमने रियर AC की वर्किंग की है, तो रियर AC की वर्किंग आपको मैं लास्ट में दिखा दूंगा, जैसे हम लोग फैन वैन की किस तरह के आपको कुछ कागज़ वगैरह रख के मैं आपको दिखा दूंगा। और इसके अंदर हमने टॉप एंड वेरिएंट का आपका हमने गियर नॉब लगाया है, आर्मरेस्ट की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। आपको हाई बीम करते हैं अभी हम लोग, यहाँ पे हाई बीम करी हुई हाई बीम है ठीक है, ये आपकी लो बीम है, आप हम लोग जो हाई बीम करते हैं, देखिए हाई बीम करते हैं हम लोग उसको, हाई बीम करना, तो ये आपकी कुछ देखिए डिपर मारिए, तो देखो भाई कितना बढ़िया रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है यहाँ पे, मतलब अपने आप में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है। बाकी हम लोग उसकी अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं, जो कि हमने इसके अंदर आपका टॉप एंड वेंट का स्टीयरिंग लगाया है उसकी प्रॉपर हम लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं, कहीं स्टीयरिंग आपका लेफ्ट में या राइट में तो नहीं भाग रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग सारी चीज़ें चेक करके उसके बाद ही कस्टमर के साथ में कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं। बाकी बात करें तो बाकी बहुत बढ़िया सिस्टम इसके अंदर हुआ है, आपका एम्बियंस लाइट वगैरह देखिए कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे आपकी। पूरी गाड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो अपने साथ है प्राउड ओनर, तो सबसे पहले इसका नाम जानते हैं। मेरा नाम अमान अली है और भैया राज खान। राज खान आपका नाम क्या? मेरा रोहित खान। अच्छा भैया आप लोग कहाँ से आए थे वैसे? भैया हम टीम ऑफ इंडिया है और बेसिकली मैं लक्ष्मी नगर रहता हूँ दिल्ली। अच्छा लक्ष्मी नगर दिल्ली रहते हैं। और भैया लोग आप भी? भैया मैं गुड़गांव से। गुड़गांव ये भैया दोस्त है।
ये काफ़ी अच्छा लगा भैया दिन से साथ में थे। अगर भैया अगर मैं बात करूं तो गाड़ी का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो काम की काम कैसा लगा भैया? तो काम ओवरऑल काफ़ी अच्छा करा आप लोगों ने, बस थोड़ा सा मैं भी यही बोलूँगा कि थोड़ा टाइम का था। हाँ, बट काम काफ़ी क्लीनली और अच्छी तरीके से करा है जी, और मैं बहुत खुश हूँ मतलब आप लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अगर भैया आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे काम के बारे में? सब बढ़िया था, सभी भैया ने बहुत अच्छी तरीके से मतलब हैंडल करा था सारी सिचुएशंस को, हमें गुस्सा भी आ गया था थोड़ा बहुत, बट सब कुछ नॉर्मल था, बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करा। बाकी बस भैया सब मतलब है, थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है ऐसी चीज़ों में, जब कोई अच्छी चीज़ करता है किसी के लिए तो उसमें टाइम लगता ही, बस बाकी शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा भाई, जो जितने भी सारे भाई थे अच्छा काम कर रहे थे, यही है ठीक है टाइम लगता है लेकिन अच्छा काम होना चाहिए, कि बार बार काम ये चीज़ें काम बार बार काम नहीं होता ना, एक बार ही होता पर लेकिन अच्छे से होना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अगर भैया आप फाइनल में भैया को हम लोग फ्री करते हैं, टाइम ज़्यादा हो चुका है वैसे, अगर भैया अगर बात करूँ तो ऑल ओवर एक्सपेंस की बात करूँ तो कितना खर्चा आया आपका? कुछ 1.5 लाख का खर्चा आया, 1.55 का अलॉय वगैरह हेडलाइट डीएल वगैरह सब कुछ टू सेट मिला के ओवरऑल मतलब मेरी गाड़ी सिग्मा मॉडल से टॉप वेरियंट में बनने में 1.5 लाख का खर्चा है। अगर यही आप कंपनी में देते तो कौन सा वेरियंट मिलता आपको? यही अगर देखा जाए तो भैया डेल्टा मिलता मेरे को, और कोई है कि फीचर उसके बाद भी और काफ़ी इसमें मैंने लाइटिंग वगैरह और बेस ट्यूब वगैरह सारा काम करवाया, तो बहुत अच्छा है मतलब। साउंड सिस्टम कैसा लगा भैया? बहुत अच्छा है भैया, मैंने इन्फिनिटी का यूज मतलब लगवाया है और काफ़ी अच्छा है भैया, साउंड सिस्टम वगैरह और बेस वगैरह काफ़ी अच्छा है जी। चलिए भैया आप बाकी आपने रिव्यू देख ही लिया होगा, आप लोग भी हम लोग फ्री करते हैं, अब इसी हम लोग फ्री करते हैं भैया को, टाइम ज़्यादा हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने तक शेयर जरूर करना, ताकि हम लोग और लोगों तक पहुँच सके, जो हम लोग और लोगों का हेल्प कर सके, जो कि प्लान कर रहे हैं डेल्टा लेने का या कुछ लेने का, तो उसमें एक अच्छी मॉडिफिकेशन देके एक बजट फ्रेंडली मॉडिफिकेशन देने की हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं अब एक और वीडियो के